हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सर? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मुझे जाना है मायके। वहाँ पर जो है मेरे कज़न ब्रदर हैं, मौसी के बेटे, उनकी जो है रुकाई है, इंगेजमेंट है, और मेरी मेडिसिन का भी टाइम हो गया था। तो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ हो गई हैं, तो वैसे प्लान नहीं था, बट अब ये फंक्शंस आ गए तो फिर जो है मुझे जाना है। तो अभी 4:45 का टाइम हो रहा है और बस हम लोग रेडी हो गए हैं। देखिए ये वाला जो सूट है मैंने डाला हुआ है, बच्चे सब रेडी हैं, हस्बैंड भी आ गए हैं गाड़ी लेकर, बैग लगा रहे हैं। सुबह से कोई ब्लॉग मैंने स्टार्ट नहीं किया, तो सोचा क्यों ना जो है ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए और आप सबको भी बता दिया जाए। बट मायके जाने से पहले जो है मैं जाऊंगी अपने मामा के घर, मेरे मामा जी के जो बेटे हैं उनके बेटे, यानी बेटे के आँख में चोट लग गई है, तो वो यहीं पास में ही रहते हैं इटावा निकल कर, तो जाएंगे ही उधर से, तो उनको भी देखते जाएंगे बच्चे को, कि इतना पास रहते हुए भी अगर इस टाइम पे ना जाओ तो अच्छा नहीं लगता है। होता है ना, एक बार को आप किसी की खुशी में शामिल ना हो लेकिन दुख में शामिल ज़रूर होना चाहिए। तो छोटा ही बच्चा है और आँख में चोट लग गई है, ऑपरेशन हुआ है, तो जो है वहाँ पहले मैं देखने के लिए जाऊँगी। चली तो पहले ही जाती, बट यही था ना कि हस्बैंड की ड्यूटी लग गई थी ना इलेक्शन में, तो 2 दिन हस्बैंड थे ही नहीं, तो अब जा ही रहे हैं, तो उधर से देखते हुए निकल जाएंगे। तो पहले मैं वहाँ जाऊँगी, उसके बाद फिर हम निकलेंगे घर। बस बैग वैग हस्बैंड लगा रहे हैं। तो रह गया क्या? हाँ, तो यहाँ पर देखिए अभी कहाँ जा रहे हो? अभी है, ये है बाबू और हस्बैंड, वो गए हैं। तो बस मैं भी जल्दी से लगा देती हूँ ताला और बस मैं भी निकलती हूँ, क्योंकि फिर वहाँ पर भी थोड़ा बहुत टाइम तो जो है लगेगा ही, तो बस निकलते हैं। चलो चलो, ये ले चलो, चल दीदी को बुलाओ, दीदी ले जाएगी। किधर? उधर। किधर है सामान? इधर नहीं है, किराया कौन देगा? तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है मामा के गांव पहुंच चुके हैं, और गांव में घुसते ही ना एक अलग ही सुकून मिलता है, सच में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही एक शांति, चारों तरफ हरियाली रहती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस गांव में हम लोग आ गए थे और उसके बाद फिर हम लोग मिले जुले थोड़ी बहुत देर बैठे, 1 घंटा के करीब, और उसके बाद फिर मैं वापस आ गई हूँ। जैसे कि आपको बताया था, वहाँ वीडियो वगैरह को शूट नहीं की। उसके बाद फिर हम लोग निकल आए घर के लिए, और बस घर से थोड़ा ही दूर थे तो सोचा क्यों ना बच्चों के लिए कुछ ले लिया जाए। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है मैंगो ले रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि मैंगो का सीज़न है तो मैंगो ही अच्छे लगते हैं, और वैसे भी मैंगो सबका फेवरेट होता है। तो बस हस्बैंड ले रहे थे मैंगो और मैं गाड़ी में ही बैठी हुई थी। और यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि वॉइस ओवर मैं मम्मी के घर पर हूँ, वहाँ कर रही हूँ, और आपको पता ही है कि यहाँ पर जो है इटावा की तरह शांति तो रहती नहीं है, बस्ती में घर है तो बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इस वजह से। और बस थोड़ी ही देर में हम लोग आ गए थे घर, तो यहाँ पर मैंने फ़ोन पकड़ा दिया था दिशु को, तो वही शूट कर रही है। तो बस यहाँ पर जो है हस्बैंड जो गाड़ी है वो लगा रहे थे, उसके बाद फिर जो है हम लोग निकल आए, और हमको जो है अंधेरा ही हो गया था, क्योंकि वहाँ से ही हम लोग शायद 5 बजे के आसपास निकले थे। फिर जो है मामा के यहाँ गए तो वहाँ पे भी जो है टाइम लगा, उसके बाद फिर इधर आने में भी जो है 1.25 घंटा के करीब लग ही जाता है। नमस्ते नमस्ते, इतने टाइम के नहा के आई है? बड़ी गर्मी लग रही है तुझे? जाओ उसका शूज निकाल लाओ गाड़ी में से, छोटा मोटा सामान निकलवा लाओ, दीदी को ले जाओ। बस आते ही तुम्हें गाड़ी दिख गई है, निकाल लाओ, निकाल लो, निकाल के लो। मम्मी नमस्ते, भाभी नमस्ते। मेरी चप्पल बताओ कहाँ है? अभी तो पैर छुपाओ।
चप्पल कहाँ है तुम्हारा चप्पल? बाल फाड़ ले है अबे, छोटी छोटा बनाएगी। छुओ छुओ सब लोग छुओ, नंबर नंबर से छुओ। तो यहाँ पे सभी लोग आए मिले जुले, उसके बाद भाभी चाय बनाकर ले आई और यहाँ पर चाय के साथ नमकीन टोस्ट और बिस्किट का तो पूरा पैकेट ही लाकर रख दिया था कि जितना आपको खाना हो खा लो। तो बस मैंने 2-3 बिस्किट निकाले और बस खा के और यहाँ पे मैं पी रही थी चाय। उसके बाद फिर खाना वगैरह हुआ, सब लोग सो गए। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। और यहाँ पर ना मैं कर रही हूँ कपड़े आयरन, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2-3 दिन पहले के व्लॉग में कि मेरे भाई का फ्रेंड है, अच्छा जो है रिलेशन है, उनकी मम्मी ख़त्म हो गई, एक्सपायर हो गई, तो उनको मैं उस टाइम देखने नहीं जा पाई क्योंकि हस्बैंड की ड्यूटी लगी हुई थी इलेक्शन में। तो बस हम लोग वहीं जाएंगे, तो वहीं के लिए मैं बस कपड़े आयरन कर रही थी। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल आए हैं टूंडला के लिए, जैसे कि आपको बताया था कि भाई का फ्रेंड है, उसकी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, मैंने 1-2 दिन पहले भी ब्लॉग में शेयर किया था। तो यहाँ तक आई थी घर तक, तो सोचा क्यों ना वहाँ भी घुमाएं, उस टाइम पे तो हम लोग नहीं जा पाए थे। तो बस हम लोग वहीं जा रहे हैं और वहाँ से जो है फिर वापस ही आ जाएंगे, मेडिसिन वगैरह लेने आज नहीं जाएंगे, वो फिर किसी दिन ले आएंगे। तो बस वहीं हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ वीडियो वगैरह तो नहीं बनाऊँगी, तो फिर मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। वहाँ से घूमकर जो है हम लोग आ गए हैं। उसके बाद रास्ते में हम लोगों को हल्की फुल्की सी भूख लगी, तो यहाँ पर रेस्टोरेंट ये पड़ता है जिसमें अक्सर हम लोग जाते हैं, आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, उसी में हस्बैंड ने जो है वहीं आकर गाड़ी रोक ली। तो सुबह जो है घर से सिर्फ नाश्ता करके ही निकले थे, टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया था क्योंकि हम लोग वहाँ पर पहुँचे ना तो फिर और भी लोग आ ही जा रहे थे मिलने जुलने वाले, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, 4-5 दिन ही हुए हैं, तो काफ़ी सारे लोग आ रहे थे, जान पहचान वाले भी थे, कुछ नए भी थे। तो फिर टाइम लग गया वहाँ पे हम लोगों को, तो फिर हल्की सी भूख लगाई थी। वैसे खाना उन लोगों ने सर्व किया था बट सही नहीं लगा वहाँ पे जो है खाना वगैरह खाना, तो बस यहाँ पे हमने रोका और फिर थोड़ा देखने के बाद नूडल ऑर्डर कर दिए थे 1 प्लेट, और उसके बाद फिर जो है कॉफ़ी ऑर्डर की थी। तो बस वही यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं बैठकर, प्यास लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने हस्बैंड को बोला पानी निकालने के लिए, तो वो यहाँ पर पानी जो है निकाल रहे हैं अपने लिए और मेरे लिए। और गर्मी सच में इतनी ज़्यादा हो गई है ना, बेशक अपने खुद के वाहन से भी जाओ फिर भी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पर पानी पिया, और पानी इतना ज़्यादा ठंडा था ना कि पिया ही नहीं जा रहा था। बस थोड़ी ही देर में आ गए थे नूडल, तो यहाँ पर मैं नूडल निकाल रही हूँ अपने और हस्बैंड के लिए। काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे ठंडा ठंडा, और थोड़ा सा गर्मी में ही होता है ना, थोड़े से सफ़र में ही इतनी ज़्यादा थकान सी हो जाती है ना गर्मी की वजह से, थोड़ा सा यहाँ बैठे रेस्ट किया, थोड़ा ये खाया तो काफ़ी अच्छा लगा। तो बस यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो नूडल हैं वो सर्व कर दिए, और बस यहाँ पर जो है खा रहे हैं। हस्बैंड ने थोड़े ही लिए थे, मुझे ही जो है ज़्यादा खाने पड़े थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने नूडल खाए, फिर उसके बाद हस्बैंड ने कॉफ़ी थी वो ऑर्डर कर दी थी। बस यहाँ पर मैं शुगर ऐड कर रही हूँ, कॉफ़ी में शुगर पाउडर आता है तो वही डाल रही थी। तो मैं हस्बैंड से बोल रही थी 2 डाल लूँ, हस्बैंड बोले कि ज़्यादा डालो वरना जो है मीठा नहीं होगा, क्योंकि बहुत ना एकदम स्ट्रॉन्ग जो कॉफ़ी होती है वो डालते हैं, तो हल्का फुल्का डालो ना तो उससे मीठा भी नहीं होता है। तो पहले मैंने डाल के टेस्ट की, फिर उसके बाद मैंने और डाली, तब जो है वो मीठी हुई थी। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने बैठकर आराम से, वैसे मेरा मन तो नहीं था कॉफ़ी पीने का, हस्बैंड का था, तो फिर उन्होंने ऑर्डर कर दी बस कॉफ़ी वगैरह पी। उसके बाद हस्बैंड ने जो है जो बिल था वो पे किया, और मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर शूट किया। काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से साथ में होते हैं ना, और ऐसा मौका भी बहुत कम मिलता है, वरना बच्चे साथ में होते हैं तो इस तरह से बहुत ही कम हो पाता है। जब भी मेडिसिन वगैरह लेने जाती हूँ ना तभी जो है ऐसा मौका मिलता है कि सिर्फ मैं और हस्बैंड ही होते हैं,
बस यहाँ पे बिल आ गया था, हस्बैंड ने बिल पे किया, उसके बाद फिर हम लोग निकल आए। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, एकदम अंदर से निकले ठंडे ठंडे से, तो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा धूप भी हो रही थी। फटाफट से जो है मैं गई गाड़ी में, और गाड़ी में भी बैठे ना तो गाड़ी भी इतनी ज़्यादा गर्म हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि धूप में एकदम खड़ी हुई थी ना, तो बहुत ज़्यादा गाड़ी भी एकदम गर्म हो गई थी। फिर एसी वेसी चलाया, थोड़ा ठंडी हुई, उसके बाद थोड़ा राहत मिली। देखिए बाहर से कुछ इस तरह का दिखता है। और बस अब हम लोग निकल आए हैं सीधा घर के लिए, आधा घंटे में करीब जो है घर पर पहुंच जाएंगे। तो मैं बैठी थी आराम से, थोड़ा गाड़ी ठंडी हो गई उसके बाद। तो चलिए यहीं पर इस ब्लॉग को कर देती हूँ एंड, आशा करूँगी ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।